तो फाइनली गाइस वी आर बैक विद अन अदर वीडियो एंड तुम लोग देख सकते हो कि जो बैटल ग्राउंड सीजन 17 है उसके बारे में अपडेट्स आ चुकी हैं एंड उसके नोट्स एंड उसके रिवॉर्ड्स क्या क्या होने वाले हैं तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए थोड़ी पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ये देख सकते हो तुम लोग के सीजन 17 स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, जो कि होगा 10 अप्रैल को एंड एंड होगा 8 अप्रैल को। मतलब ये कल आने वाला है, आज है 9 अप्रैल और ये कल आ जाएगा 10 अप्रैल को। तो ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं नोट्स की। तो इसका जो बफ वन है बॉब एंड वेव, मैंने पता नहीं सही प्रोनाउंस किया हो या नहीं, तो इसमें तुमने देख सकते हो ऑल ऑफ द डिफेंडर अटैक्स आर गारंटीड क्रिटिकल हिट्स। डिफेंडर जो है वो गारंटीड क्रिटिकल हिट्स ही मारने वाले हैं एंड ये डिसेबल होगी 10 सेकंड के लिए अगर तुम लोगों ने डॉज कर लिया या इंटरसेप्ट कर लिए तो। तब चलते हैं दूसरे नोट की तरफ जो कि काउंटर स्ट्राइक वन यूजिंग द डेक्सटिलिटी मास्टरी टू डॉज एंड अटैक ग्रांट्स द अटैक। तो अगर तुम लोगों ने उसको डेक्सटिलिटी की है, मतलब डिफेंडर के सामने डेक्सटिलिटी परफॉर्म की है, तो तुम लोग एक फ्री चार्ज गेन करोगे जो तुम्हारा अटैक रेटिंग को 5% से बढ़ा देगी। लेकिन अगर तुम लोगों ने 10 फ्री चार्ज गेन कर लिए तो तुम लोग तो डिफेंडर जो है वो अनब्लॉकेबल हो जाएगा 15 सेकंड के लिए। तो भाई ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा अनोइंग है। ये तो है विक्ट्री ट्रैक का जो ये जो अगर विक्ट्री ट्रैक पे रहेंगे उन लोगों को यही सारे मतलब नोट्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड अब चलते हैं ग्लैडिएटर सर्किट पे जो कि होने वाला है बो एंड वे टू। ठीक है, ये तो सेम है। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टाइमर कम हो गया है, जैसे कि तो तुम लोग देख सकते हो कि जो पहले विक्ट्री ट्रैक में था तो उसका जो 10 सेकंड के लिए डिसेबल हो रही थी उसकी क्रिटिकल हिट, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ग्लैडिएटर सर्किट में 8 सेकंड के लिए होगी खाली मतलब डिसेबल उसकी क्रिटिकल हिट। एंड जो काउंटर स्ट्राइक 2 है तो यहाँ पर तुम लोग को 10 फ्री पे मिल रहा था ना विक्ट्री ट्रैक पे, तुम लोग ग्लैडिएटर सर्किट पे 7 फ्री में ही वो अनब्लॉकेबल हो जाएगा 12 सेकंड के लिए। एंड कोई सा भी चैंपियन स्टार्टिंग के 20 सेकंड में कोई भी बफ नहीं एक्टिव कर सकता, बफ हो या डीबफ दोनों में से, अटैकर हो या डिफेंडर कोई भी उनमें से 20 सेकंड के लिए, मतलब जब मैच चालू होगा तो उसकी स्टार्टिंग ही 20 सेकंड में ना तुम डीबफ दे पाओगे ना बफ कोई सा तुम गेन कर पाओगे। तो एंड अब चलते हैं वीक 3 पे। तो मतलब ये दोनों वीक यही चलने वाला है, वीक 1 एंड 2। एंड वीक 3 पे जो है एक्स मैजिका एंड मैजिक थीफ डिफेंडर जो हमारे अलायंस वॉर में चल रहा है अभी फिलहाल में, तो वही नोट्स हमें सीजन 17 में देखने के लिए मिलेंगे वीक 3 में। इफ द अटैकर हैज द टैग एक्स मैजिकल, इफ द अटैकर हैज द एक्स मैजिकल टैग परफॉर्मिंग अ वेल टाइम ब्लॉक और स्ट्राइकिंग द ओपनर्स ब्लॉक, तो तुम लोग देख सकते हो कि एक 10% का पैसिव पावर पैसिव गेन करोगे जो कि मैक्स 7 स्टैक तक जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि पूरा जो ये है मतलब अभी पूरा अलायंस वॉर का जो मेटा चल रहा है ना एक्स मैजिका वाला मेटा और नोट जो है एकदम सेम होने वाले, एग्जैक्ट सेम। अगर तुम लोगों ने अलायंस वॉर खेला है तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि एक्स मैजिका और मैजिक थीफ का क्या नोट्स है एंड पावर प्ले 2 क्या है तुम लोग देख सकते हो। तो अगर तुम्हारा पावर तुम्हारे डिफेंडर से कम होगा तो तुम्हारे जो मतलब तुम 6 सेकंड के लिए फील्ड स्टील हो जाओगे, या फिर अगर तुम्हारे डिफेंडर का पावर कम है तुमसे तो वो 6 सेकंड के लिए फील्ड स्टील हो जाएगा। तो होप करता हूं तुम लोगों को सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। रोल विद द पंचेस, ईच टाइम द डिफेंडर रिसीव अ स्टन डीबफ दे रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ फॉर द स्टन डीबफ फॉर, मतलब लिम्बर जैसा ही है लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसिव पावर होगा या फिर एक्टिव बफ होगा तो ये चीज नहीं होने वाली है। तो ठीक है, अब चलते हैं इसके बैटल ग्राउंड के सोलो इवेंट माइलस्टोन पे। एंड तुम लोग देख सकते हो कि मैंने तुम लोगों को पिछले सीजन में भी बोला था कि जो सोलो इवेंट के रिवॉर्ड्स है वो बफ होने वाले हैं। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे 3000 सिक्सटर क्रिस्टल स्टार्ट मिलेगी 125000 पॉइंट तक, फिर तुम्हें एक सिक्सटर नेक्सस हीरो मिलेगी एंड उसके बाद जो है भाई तुम लोगों को 175000 पॉइंट्स पे तुम लोगों को 1500 सेवेंटर क्रिस्टल स्टार्ट मिलेगी। उसके बाद तुम लोगों को 5 या 6 माइलस्टोन तक आई थिंक सो तुम लोगों को 7 शायर क्रिस्टल शार्ड मिलेगी। एंड फिर उसके बाद जो 15वीं माइलस्टोन है जो 300000 पॉइंट पर मिलेगी तो उस पर तुम्हें 2500 टाइटन हीरो क्रिस्टल शार्ड मिलने वाली है। एंड तुम लोग देख सकते हो कि सोलो इवेंट के रैंक रिवॉर्ड भी है जो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हो चुके हैं, लेकिन अच्छे रिवॉर्ड के लिए भाई तुम लोगों को ऊपर आना पड़ेगा तभी तुम लोगों को मिलेंगे। 5 से 10 हज़ार में आओगे तभी तुम्हें टाइटन शार्ड मिलेगी, वरना तुम्हें नहीं मिलने वाली। अगर तुम लोग 10 से 25 हज़ार में आओगे तो तुम लोगों को 1500 सेवन स्टार शार्ड मिल जाएगी भाई, 6 स्टार क्रिस्टल शार्ड दे के भगा देता था। तो अगर तुम लोगों ने अच्छे से मतलब तुम लोग 5 या 10 हज़ार में आ जाओगे तो तुम लोगों को अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, जैसे कि 1000 टाइटन क्रिस्टल शार्ड मिल जाएगी, 2500 सेवन स्टार क्रिस्टल शार्ड मिल जाएगी एंड 10000 सिक्स स्टार क्रिस्टल शार्ड मिल जाएगी और 1048 सिग्नेचर स्टोन मिल जाएगा 6 स्टार की। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर बेस्ट अटैकर एंड बेस्ट डिफेंडर कौन सा होने वाला है। तो अभी पहले मैं विक्ट्री ट्रैक की बात कर लेता हूँ आई थिंक सो। तो ठीक है, हम आ चुके हैं आंट मे पे एंड चैंपियन इन्फो में चलते हैं। एंड मुझे तुम लोगों को बताना है कि पहले अटैकर कौन से अच्छे हो सकते हैं। तो चलते हैं मिस्टिक क्लास में हमारी, एंड मिस्टिक क्लास में ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को कोई चैंपियन यूज़ करना है ना भाई तो देखो विक्ट्री ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो मिस्टिक क्लास है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि 10 फ्यूरी जब तुम्हारे पास गेन हो जाएगी
तो सामने वाला डिफेंडर जो है वो अनब्लॉकेबल हो जाएगा, एंड उस अनब्लॉकेबल अगर वो पैसिवली अनब्लॉकेबल होता तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वहाँ पे पैसिवली नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए तुम लोग यूज़ कर सकते हो रिंट्रा को। रिंट्रा भी एक बहुत तगड़ा ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर सकता है एंड इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर तुम लोगों को रिंट्रा यूज़ करना आता है प्रॉपर तो तुम लोग रिंट्रा यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा एक और नेक्स्ट चैंपियन हो सकता है, वो है वैकेंट। कहाँ गया हमारा वैकेंट, कहाँ गया विकेट? एक बहुत ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन है, ये भी न्यूट्रलाइज करता है एंड साथ ही साथ यह पॉज भी कर सकता है। तो तुम्हें बार बार इस चीज़ पर टेंशन तो नहीं होगा कि भाई न्यूट्रलाइज डीबफ जो है वो हट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। एंड भाई ये इंफिनिटी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी देता है। अगर तुम लोगों को चाहिए कि भाई वाइकिन अगर तुम्हारे पास है तो तुम लोग अपग्रेड कर लो, क्योंकि जो भाई विक्ट्री ट्रैक में बहुत ज़्यादा तगड़ा काम करने वाला है। एंड इसके बाद चलते हैं हमारे मिस्टिक क्लास में। तो अभी तक मैंने तुम लोगों को दो अटैकर बता दिए हूँ जो कि न्यूट्रलाइज दोनों करते हैं। एंड उसके बाद कर लेते हैं जगरनॉट की। ये कोई रैंक वाइज नहीं है, मैं तुम लोगों को अपना ओपिनियन बता रहा हूँ खाली कि तुम लोगों को कौन से चैंपियन यूज़ करना चाहिए। देखो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो जगरनॉट की एबिलिटी यहाँ पे स्टैगर्ड है, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हैवी अटैक पे स्टैगर्ड देता है। तो फिर भाई जब भी वो अनब्लॉकेबल होने वाला रहेगा, जैसे तुम लोगों को लगेगा कि भाई तुम्हारी 10 फ्यूरी होने वाली है, तो तुम लोग उसको एक स्टैगर्ड डीबफ दे सकते हो एंड उसकी जो अनब्लॉकेबल है वो पूरी खत्म हो जाएगी। एंड इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है एंड एक जगरनॉट बहुत सही ऑप्शन रहेगा। अगर तुम लोगों को विक्ट्री ट्रैक मेटा के लिए कोई चैंपियन चाहिए तो तुम लोग जगरनॉट को रैंक अप कर सकते हो। ब्लैक विडो क्लेवन भाई ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है एंड तुम लोग देख सकते हो ये भी न्यूलीफाई कर दी है। एंड जो तुम लोग स्पीड 2 पे देख सकते हो कि ये बफ इम्यून कर देती है, तो भाई अनब्लॉकेबल का तो कोई चांस ही नहीं है। एंड तुम लोग इससे रीजनरेट भी कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स तुम लोग अपने बचा लोगे अगर तुम लोग आल्ट में वेबसाइट है भाई ब्लैक विडो क्लेयर वर्ल्ड को यूज़ करते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा तगड़ी ऑप्शन हो सकती है। तो मैं तुम लोगों को अभी यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया हूँ कि चार कौन से बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि हो गया एक जगरनॉट, वाइकिन, रिंट्रा एंड अब ये हो गई ब्लैक विडो क्लेयर वर्ल्ड। एंड अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन जो है ना वो मिस्टिक क्लास ही है भाई। अगर तुम लोग मिस्टिक क्लास को रैंक अप कर लोगे ना तो अटैकर तो बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम भी एक है जो भाई यहाँ पे न्यूलीफाई कर सकता है अनब्लॉकेबल को। एंड मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा परेशान करेगा तो तुम लोगों को अनब्लॉकेबल ही परेशान करने वाला है और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि 15 सेकंड के लिए अनब्लॉकेबल होगा भाई। वो 15 सेकंड के लिए अनब्लॉकेबल तुम लोगों की जान ले सकता है भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली वो भी। एंड डॉक्टर डूम एक बहुत प्यारा ऑप्शन है क्योंकि भाई तुम लोग इससे पावर स्टील भी कर सकते हो एंड इसका डैमेज है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। एंड भाई इसका स्टैगर्ड तो तुम लोगों को मालूम ही हैवी, तो इजीली स्टैगर्ड कर सकते हो तुम लोग इससे। एंड चलते हैं फिर से एक लास्ट अटैकर बचा है, जो कि लास्ट अटैकर तो नहीं है लेकिन अटैकर बहुत सारे हैं जो अगर तुम लोग स्टैगर्ड और ये सब देखोगे तो। लेकिन यहाँ पे एक हुड भी है जो बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन है किधर? हाँ, हुड भी एक बहुत सही तक काम कर सकता है क्योंकि ये भी स्टैगर्ड करता है एंड ये मारते मारते स्टैगर्ड कर देता है, तो तुम्हें कोई हैवी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसका जो डैमेज है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो तुम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो। और भाई इसकी इनविजिबिलिटी तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से बचा सकती है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई डिफेंडर्स। अब डिफेंडर्स कौन कौन से अच्छे हो सकते हैं, अब भाई अब देख ले। अब पहले चलते हैं म्यूटेंट क्लास में। मैं तुम लोगों को बता दूँ भाई, ये चैंपियन है ना जो वुल्वरिन वेपन एक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है क्योंकि ये अनब्लॉकेबल हो जाता है, अनस्टॉपेबल हो जाता है। एंड अगर ये 15 सेकंड के लिए अनब्लॉकेबल हो गया तो ये और ज़्यादा परेशान कर सकता है क्योंकि ये रीजनरेट भी होता रहेगा। इसके लिए ये एक बहुत ज़्यादा तगड़ा डिफेंडर है, मतलब अभी जो विक्ट्री ट्रैक मेटा के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। एंड विक्ट्री ट्रैक मेटा में वेपन एक्स बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैंपियन की तरफ जो कि है म्यूटेंट में ही है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिफेंडर्स जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। अपोकलिप्स भी एक बहुत तगड़ा ऑप्शन रहेगा भाई, क्योंकि ये कभी ये पेरी इम्यून भी हो जाता है, जो डीबफ 3 सेकंड से ज़्यादा रहेंगे तो ये इम्यूनिटी ले लेता है उससे भाई, तो ये पेरी इम्यून भी हो जाएगा। एंड भाई अगर ये अनब्लॉकेबल हो गया ना तो इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका स्पीड है जो इसके स्पेशल पावर है उसको डेक्सटिलिटी करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। अगर तुम लोग नहीं कर पाते स्टैगर्ड वगैरह, या तुम्हारे पास वैसे चैंपियन नहीं है, मिस्टिक चैंपियन ज़्यादा नहीं है, स्टैगर्ड चैंपियन ज़्यादा नहीं है, या फिर कोई ऐसा चैंपियन नहीं है जो न्यूलीफाई कर दे, तो तुम लोग अपोकलिप्स से थोड़ा मुश्किल रहेगा तुम लोगों को बचना, क्योंकि भाई अगर इसको डेक्स करना बहुत मुश्किल है। अगर ये अनब्लॉकेबल हो जाता है 15 सेकंड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा भाई। एंड चलते हैं वापस से म्यूटेंट क्लास में ही। एक और है जो मैं तुम लोगों को म्यूटेंट क्लास में बताना चाहता हूँ, वो है ऑनस्लॉट। भाई ऑनस्लॉट भी अभी बहुत तगड़ा डिफेंडर है, क्योंकि भाई पिछले सीजन में, मतलब अगर तुम्हारे पास ऑनस्लॉट है तो वो बैटल ग्राउंड में बैन होना ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन है। एंड इसका जो भाई स्पीड वगैरह है ना, वो भी डेक्सटिलिटी समझ ली ऑलमोस्ट अपोकलिप्स जैसा ही, इसकी भी एचपी जो डेक्स करना ना वो थोड़ा सा टफ है। तो और ये भी बहुत ज़्यादा हाई एचपी वाला चैंपियन है, तो अगर ये सेट हो जाता है ना भाई तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये अनब्लॉकेबल होगा तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई, मेरा जो मेरे को बहुत ज़्यादा अनॉय करता है ये, वो है एब्स मैन।
एब्जॉर्बिंग मैन एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डिफेंडर है, क्योंकि इसकी रीजनरेशन और इसके जो अलग अलग फॉर्म है वो भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और इसका जो रिफाइंड फॉर्म है ना भाई वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि भाई तुम इसको पैरी भी नहीं कर सकते। इसका जो पैरी अगर तो इसने दो बार एसपी वन दे दिया, इसका जो रिफाइंड फॉर्म चालू हो गया ना भाई, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा गंदा और जो डैमेज टीम को पड़ने वाला था फिर। और इसकी भी हिट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं अपोक्लिप्स और ऑनस्लॉट जैसी है इसकी ऑलमोस्ट हिट पॉइंट, और ये हर एसपी पे अपने आप को रीजनरेट करता है। और अगर ये अनब्लॉकेबल हो गया ना भाई तो इसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैंपियन की तरफ, जो कि है भाई द सर्वेंट, भी एक बहुत ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन है डिफेंडर में। एंड जब भाई ये ग्लैडिएटर सर्किट में आ जाएगा ना, तो जो इसका एक्स मैजिका वाला डिफेंडर है, मेरे ख्याल से मैजिक टीम डिफेंडर है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। एंड ये वॉर में जब बॉस रहता है ना, तो भाई हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ट्राई की इसको मारने के लिए, एंड इसने बहुत ज़्यादा परेशान भी किया। एंड अगर तुम लोगों को सर्वेंट अगर डिफेंडर में आ गया है, तो भाई सबसे पहले सर्वेंट को बैन करो, क्योंकि अगर ये डिफेंडर में आ गया तो भाई इसको ना डेक्स कर सकते हो। एंड इसकी भाई जब मरने वाली एबिलिटी, मतलब जो इसकी इमॉर्टिलिटी है ना भाई, वो हरग्रीव से भी थोड़ी बेटर लगती है कभी कभी, क्योंकि रीजनरेट हो जाता है अपने आप को, रीजनरेट कर लेता अपने आप को, तो ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन है। हो गए यहाँ पे अभी बहुत सारे डिफेंडर्स हैं, मैं एक तुम लोगों को प्रॉपर लिस्ट बना के दे दूंगा, अगर तुम लोगों को लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।